आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। छत्तीसगढ़ राज्य प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधन संघ जिला यूनियन प्रबंधन संघ पश्चिम भानुप्रतापपुर से लोगों द्वारा भूपेश बघेल के जन घोषणा पत्र के कंडिका 5 के अनुसार तेंदुपत्ता प्रबंधन तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर नियमितीकरण की मांग तूल पकड़ चुकी है, जिसमें और तेंदुपत्ता प्रबंधकों का कहना है प्रबंधक को तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा देकर नियमितीकरण विगत 34 वर्ष से किया जा रहा है, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। जन घोषणा पत्र कंडिका 5 में यहां उल्लेखित भी है, राज्य संघ द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसमें यहां स्पष्ट है तेंदुपत्ता प्रबंधक के नियमितीकरण किए जाने पर अतिरिक्त व्यय राशि 17,94,05,840 रुपए राज्य संघ वहन करेगा। राज्य शासन को कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। तत्पश्चात भी प्रबंधक की मांग पूरी नहीं होने पर नाराजगी जताई। फिलहाल प्रबंधकों के हड़ताल में इस वक्त होने से छत्तीसगढ़ राज्य में 65 वनोपज में से मुख्य रूप से महुआ, हर्रा, बहेड़ा, लाख, इमली, चार मुलेटी, सतावर, मुशली, आमचूर जैसे संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन, भंडार पूर्णतः प्रभावित हो रहा है, जिससे शासन का लाखों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य प्रभावित हो रहा है। तेंदुपत्ता संग्राहक को बीमा दावा प्रकरण, कौशल प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का सर्वे के अलावा तेंदुपत्ता संग्राहकों के बैंक खाते का ईकेवाईसी करना, संग्राहकों का सर्वे का काम प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। हम लोग 34 साल से छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासन के सभी संग्राहकों को तेंदुपत्ता जन समुदाय के जो भी उनका आर्थिक सुविधा है वो सीधा हम पहुँचाते हैं प्रबंधकों के माध्यम से। और 34 वर्ष पहले हम चाहते हैं कि 34 वर्ष पहले सहकारीकरण इस कांग्रेस सरकार के हाथों से हुआ था, प्राथमिक प्रबंधन समिति का जन्म हुआ था प्रबंधों का। आज 34 वर्षों से इस सेवा को सेवा दे रहे हैं, शासन की सेवा दे रहे हैं, किंतु वर्तमान में चुनाव जन घोषणा के तहत छत्तीसगढ़ सरकार आज उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हम सभी प्रबंधक प्रदेश व्यापी आज हड़ताल में मजबूर होकर बैठना पड़ा, इसलिए कि छत्तीसगढ़ शासन जिन्होंने घोषणा पत्र में नियमितीकरण का मांग खुद बनाया था वो पूरी करे। हम फिर एक पूर्ण विश्वास के साथ उन पर एक आशीर्वाद स्वरूप इस वाणी को लेकर हम अपने अपने काम में वापस जाएंगे, और नहीं तो हमारे साथ समर्थन करने के लिए सभी प्रदेश व्यापी अध्यक्ष लोग भी आज उपस्थित हुए हैं। प्रदेश में इन अध्यक्षों की बहुत बुरी अवस्था है, जहाँ पे जनप्रतिनिधि को जितना पैसा मिलता है यहाँ पे इन लोगों को नहीं मिलता है। इनको प्रति महीना मासिक वेतन वृद्धि किया जाए, वेतन भत्ता दिया जाए, और वार्षिक मानदेय दो बार दिया जाए 6 महीना में। और इनके पीछे जो संचालक मंडल, हम लोग यहाँ एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन अपनी जो जायज मांग है, मांग की वजह से ही हमने यहाँ बैठे हैं। और तेंदुपत्ता प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और उसके आगे तेंदुपत्ता तृतीय वर्ग वो हो गया, उसके बाद अध्यक्ष की मानदेय महीना दिया जाए, उसके बाद पर मुंशियों को जो सालाना 12,000 दिया जाता है उसको पर मुंशियों को भी जो नियमित रूप से महीना उनको भी दिया जाए। क्या लगता है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी शिक्षा कर्मियों को पहल किया है, आप लोगों को क्या उम्मीद है छत्तीसगढ़ शासन से? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से यही हम लोगों की मांग है, ताकि हमारी मांगे पूरा हो जाए, पूरी करे। आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? आगे और रणनीति और रहेगी, ये तो अब शुरुआत है। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।